नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। महिमा पुनीता बुलेटिन में साथ है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद कांड में पुराने छात्र ने बड़ा खुलासा किया है। छात्र का कहना है कि एक साल पहले ही धर्मांतरण का दबाव बनाने की शिकायत की गई थी, तो संचालिका थी उसके खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन उस दौरान कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। एक साल पहले जब शिकायत की गई, कोई कार्रवाई नहीं की गई, और जिसके बाद अब ये पूरा मामला खुलकर सामने आया है। पुराने छात्र यानी कि इस ब्यूटी इंस्टीट्यूट में ये छात्र इस संचालिका के अंडर में ट्रेनिंग कर रहा था, सीख रहा था, और उसका कहना है कि उसने एक साल पहले ही इस पूरे मामले की शिकायत की थी, लेकिन उस वक्त किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। शिकायत ये कि धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन उस समय किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया था, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिस वजह से अब यह मामला बड़े स्तर पर सामने आया है, क्योंकि लगातार धर्मांतरण का दबाव इस जगह पर यानी ब्यूटी इंस्टीट्यूट में बनाया जा रहा था, और संचालिका के खिलाफ दरअसल ये शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था। देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी, और रिपब्लिक भारत पर एसएसपी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। बड़ी खबर का रुख सीधा कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब जैसे ही धर्मांतरण का मामला सामने आया है, आरोप लग रहे हैं, और एसएसपी ये कह रहे हैं कि अब बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी। बीएनएस की धारा 299 धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाना, 51 के सेक्शन 2 सम्मान को नुकसान पहुंचाना, किसी काम के लिए धमकी देना, 318 ए धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। और एसएसपी रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहते हुए नजर आए कि जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, लगातार ये गंभीर मामला सामने आया था, और फिलहाल आपको सुनवाते हैं एसएसपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। देखिए, अभी तक जो प्रार्थना पत्र मिला था उसमें 3 विक्टिम और एक पुरुष और 2 महिलाएं, और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं वो 2 हैं। उनको उकसाने की इनके द्वारा बात की गई थी। बाकी जो विवेचनात्मक कार्रवाई है उसमें डिटेल से सारी के सारे तथ्यों को उन सभी जितने भी अपने आप को विक्टिम बताया गया है उनसे डिटेल में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी, और तब उसमें विवेचना के निष्कर्ष पर पहुँचा जाएगा। लगातार ये बात कही जा रही है कि सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये कि आखिर जो धर्म परिवर्तन का ये खेल चल रहा था, कब से चल रहा था। जतिन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ शिकायतकर्ता तान्या भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तान्या का रुख कर लेते हैं। तान्या, कैसे आपको ये जानकारी लगी? क्या आप उस इंस्टीट्यूट में आप काम करती थी, और कैसे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार देखिए जो खबर मिल रही है कि दबाव बनाया जा रहा था धर्म परिवर्तन को लेकर, जरा विस्तार से बताइए क्या आपने देखा, क्या हुआ? तान्या, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, तान्या तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, जतिन के पास चलते हैं। तान्या, आपके पास वापस लौटेंगे। जतिन, हैरान करने वाली खबर है, धर्म परिवर्तन का जो मामला ये सामने आया है मुरादाबाद से, आखिर कब से ये खेल चल रहा था, और कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, जरा विस्तार से बताइए। आज बिल्कुल देखिए, हैरान करने वाली ये खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि एक साल पहले भी इसी इंस्टीट्यूट पर धर्मांतरण के आरोप जो है वो लगे थे, और उस समय भी एफआईआर दर्ज की गई थी, और सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में ही एफआईआर दर्ज की गई थी, जहां पर आज मौजूदा दौर पर दूसरी एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। उस समय भी छात्रों ने इस तरीके से शिकायत लगाई थी कि कैसे जो इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं धर्मांतरण करने का दबाव बनाते थे, हिंदू लड़कों के साथ लड़कियों को बिठाया जाता था, दोस्ती करने पर मजबूर किया जाता था, और उसी तरीके का प्रकरण एक साल बाद दोबारा से आया है, और अब जाकर पुलिस ने दोबारा से जो दूसरी एफआईआर है वो दर्ज की है। एसएसपी मुरादाबाद से जब हमने बात की तो उनका भी कहना था कि इससे पहले एक साल पहले जब ये मुकदमा आया था उस समय भी विवेचना की जा रही थी, और आज जब दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है तो विवेचना की जा रही है। लेकिन अभी इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको ये बता दूं कि जिनके ऊपर ये पूरे एलिगेशन लगे हैं, जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं पति पत्नी, वो दोनों ही पुलिस के रडार से गायब है। पुलिस लगातार उनको ट्रेस कर रही है, लेकिन उनके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ रही है। पुलिस
का कहना है कि जो भी एलिगेशन लगे हैं उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, उसके आधार पर ही आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इससे पहले जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो आईपीसी के सेक्शंस के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून आया उसके तहत तमाम सेक्शंस जो है वो उसमें जोड़े गए हैं। लेकिन आप जब एफआईआर पर नजर डालेंगे तो उसमें धर्मांतरण का जिक्र नहीं है, उसमें किस तरीके से धोखाधड़ी किया गया, दबाव बनाया गया, ये तमाम सेक्शंस जो है वो जोड़े गए। हालांकि एसएसपी मुरादाबाद का कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो इस मामले में और भी सेक्शंस जो है वो जोड़े जाएंगे। लेकिन तानिया जब आपके साथ जुड़ेंगी तो अपनी आप बीती आपको बताएंगी, कल हम मुरादाबाद में तानिया से मिले थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि कैसे हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कों से दोस्ती कराने के लिए दबाव बनाया जाता था, पढ़ाई के लिए जो ग्रुप्स बनाए जाते थे उन ग्रुप्स में खासतौर पर उन लड़कियों को शामिल कराया जाता था, मुस्लिम लड़कों को बोला जाता था। देखिए आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन जो आप जानकारी दे रहे हैं कि पढ़ाई के लिए देखिए यहाँ पर बुलाया जाता था लेकिन जबरन यहाँ पर धन परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। लेकिन कहाँ लव जिहाद गैंग एक्टिव है, जरा ये भी आपको मैं आपके जरिए समझाते। देखिए बरेली की बात करें, बरेली जोन में अब तक जो है 86 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें, देखिए अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर जो गैंग है वो पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है। लखनऊ जोन की बात करें तो यहां पर 55 केस दर्ज किए गए हैं, लगातार देखिए मामले सामने आते हैं, कार्रवाई होती है, केस दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन इस पर फिर भी अंकुश नहीं लग रहा है। प्रयागराज जोन की बात करें तो यहां पर देखिए 46 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। इसके बावजूद भी अगर हम मेरठ की बात करें तो यहां पर 45 एफआईआर दर्ज अब तक हो चुकी है। यानी कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से धर्म परिवर्तन का जो गैंग है वो एक्टिव है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अब मुरादाबाद से खबर आती है जो हैरान करती है। तो आपको हमने बताया कि किन किन जगहों पर 2020 से 2023 तक लगातार धर्मांतरण गैंग एक्टिव रहा है और लोगों ने बड़े स्तर पर सामने आकर इसकी शिकायत भी की है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का साफ कहना है लव जिहाद हो, धर्मांतरण के लिए लोगों को परेशान करना हो, दबाव बनाना हो, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मुरादाबाद में भी कुछ यही कार्रवाई होगी, लेकिन किस तरह से ब्यूटी इंस्टीट्यूट की संचालक और उसके पति पर यह आरोप लग रहा है, कितने लंबे समय से इनका यह धंधा चल रहा था, कैसे लोगों पर दबाव बना रहे थे, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्यूटी इंस्टीट्यूट का डर्टी सीक्रेट, ब्यूटी सेंटर में धर्मांतरण रैकेट, मेकअप का नाम धर्मांतरण का काम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का ये ब्यूटी इंस्टीट्यूट इन दिनों संगीन आरोपों के चलते सुर्खियों में है। इस इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर रक्षिता खान पर इंस्टीट्यूट के अंदर धर्मांतरण गैंग चलाने का संगीन आरोप लगा है। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का आरोप है कि इस ब्यूटी इंस्टीट्यूट की संचालिका रक्षिता खान लगातार बच्चों पर धर्मांतरण का दबाव बना रखी है। बच्चों ने इस बारे में बाकायदा पुलिस से भी शिकायत की, जिसके बाद से ही मुरादाबाद अशांत गए। हिंदुवादी संगठन इस खुलासे के बाद विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और शहर का माहौल इतना गर्म हो चुका है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस ब्यूटी इंस्टीट्यूट को सील भी कर दिया। लेकिन बवाल कहे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इस इंस्टीट्यूट में मेकअप की ट्रेनिंग लेने वाले छात्राओं का सीधा आरोप है कि मुरादाबाद में लैक्मे एकेडमी की संचालिका उन पर यह दबाव डालती हैं कि मुस्लिम लड़कों से शादी करो। छात्राओं का आरोप है कि वो उनकी दोस्ती मुस्लिम लड़कों से। सीधा तान्या और स्वाति के पास आपको ले चलते हैं, शिकायतकर्ता दोनों हमारे साथ मौजूद है। तान्या सबसे पहले आपके पास आते हुए एग्जैक्टली आप बताएंगे क्या हुआ था, आपने कब शिकायत दर्ज कराई, अब क्या हो रहा है और इसके अलावा कब से खेल रचा जा रहा था ये भी बताइए। मैम मेरे को यहाँ पे कोर्स कर छह महीने का मेरा कोर्स था यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्रांड देख के यहाँ पे ज्वाइन किया था। लैक्मे बहुत बड़ा ब्रांड है तो मैंने उनका डायरेक्टर कौन है मैंने ये सारी चीजें नहीं देखी थी तो मैंने उसको लेके यहाँ पे ज्वाइन किया था ब्रांड को लेके। लेकिन यहाँ पे ब्रांड के नाम पर कुछ और ही यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है। हमारे उसमें सिखाया गया की मतलब इसे प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होना चाहिए स्किन एंड हेयर में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला था थ्योरी होती है ज्यादा। तो मैंने कहा कि जब इन्होंने थोड़ी बहुत थ्योरी चलेगी आपकी स्टार्टिंग डेज में, देखिए 3 महीने तक कंटिन्यूस थ्योरी ही चलती है। ये थ्योरी से धीरे 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 हमें इस्लाम धर्म के बारे में बताया गया, वो किया गया क्योंकि ये जो वहाँ की डायरेक्टर है रक्षिता खान
वो खुद एक हिंदू थी, उनका नाम सपना था, तो वो खुद कन्वर्टेड हुई है, वो मुसलमान बनी है, उन्होंने शादी की, उन्होंने 19 साल की एज में घर से भाग के शादी की थी। तो वही सारी कहानियां हमें सुनाई जाती थी बीच बीच में, पढ़ाई के बीच बीच में हमें बताया जाता था कि मैंने 19 साल की एज में घर से भागकर शादी की थी और मैं आज देखो बहुत खुश हूँ एक मुस्लिम के साथ और मेरे को घर में कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरे घर वाले नाराज हुए थे लेकिन आज सब मान गए हैं, आज मैं अपने घर वालों के साथ रहती हूँ, मैं अपने घर पे भी जाती हूँ। तो उन्होंने सारी चीजें हमें बताई, मतलब धीरे धीरे वो इन्वॉल्व हुई, उन्होंने हमें इस्लाम के धर्म बारे में बताना स्टार्ट किया, इस्लाम धर्म कैसा है, इस्लाम धर्म की खूबियां क्या क्या है, उसके बारे में हमें धीरे धीरे उन्होंने बताना शुरू किया। जिस चीज की हम पढ़ाई करने गए थे एग्जैक्ट वो पढ़ाई हमें वहां पे की नहीं जा रही थी, वो यहाँ पे नाम के लिए कराई जा रही है, यहाँ पे सिर्फ इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, हिंदू धर्म को खत्म करने की कोशिश की जा रही है ऐसी जगहों पे। यहाँ पे धीरे धीरे वो हमें ये सारी चीजें पढ़ा रही थी, हमारा ब्रेन वॉश करा जा रहा था धीरे धीरे इन सारी चीजों को लेके, आगे बताती थी इस्लाम धर्म के बारे में। तान्या एक चीज और समझना चाहूंगी आपसे, आपने कहा कि आप लंबे समय से यहाँ पर सीख रही थी, आप इनसे जो सीखने गई थी वो नहीं सीख पाई बल्कि आपको धर्म दूसरे धर्म की तरफ प्रेरित किया जा रहा था। स्वाति भी इस वक्त हमारे साथ है, स्वाति मैं आपके पास आऊं लेकिन एक बार तान्या से ये समझना चाहूंगी कि तान्या आपने कितनी लंबी ट्रेनिंग यहाँ पर की थी और कब आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपको ये दूसरे धर्म के बारे में बता रहे हैं, इस्लाम के बारे में बता रहे हैं, उसकी खूबियां बता रहे हैं, कब से आप ये समझ पाएंगे?